आज हम एक रोल प्ले करा रहे हैं, बोलने वाली गुफा हमारे बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। आगे चल के देखता हूँ, कोई शिकार मिलेगा तो उसको मार के अपना भूख मिटा लूंगा। अरे इस जानवर का गुफा है, इसके भीतर चल के देखता हूँ, कोई जानवर होगा तो उसको मार के अपना भूख मिटा लूंगा। अरे इसके अंदर तो कोई नहीं है, थोड़ी देर बैठ के देखता हूँ, रात होने पर कोई ना तो कोई जानवर इसके अंदर आएगा तो उसको मार के मैं अपना भूख मिटा लूंगा। मस्ती गगन में आज मैं आजाद हूँ, दुनिया की चमन में। पैरों की निशान किसके हैं? तो किसी जानवर के लगते हैं, तो शेर के पंजों के निशान है। चलो चल के देखती हूँ। तो गुफा के अंदर जाने के निशान है, पर बाहर निकलने के तो निशान है ही नहीं। शेर अंदर है या नहीं है, इसको पक्के तौर पे तोड़ने के लिए मुझे योजना बनानी होगी। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ। ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? क्या हो गया है आपको? ऐसे इतना पहले तो कभी चुप नहीं रहती थी, एक बार के पूछने में ही उत्तर दे देती थी, आज आपको क्या हो गया है? आप जब तक मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं आपके चुप रहने का रहस्य जान रही हूँ, अवश्य ही कोई भीतर खूंखार जानवर बैठा है जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। मैं अपनी आवाज में बोलूंगा तो ये लोमड़ी भाग जाएगी। मैं गुफा की आवाज में बोलता हूँ। ओ मेरी प्यारी लोमड़ी, मेरी आज तबीयत खराब ही थी, मैंने इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे इसके अंदर कोई नहीं है, तुम आराम से आ सकती हो इसके अंदर। जैसे कभी एक शेर घास नहीं खाता, वैसे ही एक गुफा कभी बोल नहीं सकता। हुजूर आप रात भर मेरी गुफा में आराम से सोइए। शुभ रात्रि। जान बची तो लाखों पाए,